जवान, जय किसान, जय महान और जय वैज्ञानिक तकनीक की। भैया तकनीक से बना हुआ ये मतलब इंजन है और या एक मशीन, वैज्ञानिक तरीका की मशीन है ये, मक्का काटने वाली मशीन है और ये गियर है मक्का काटने वाला, एक क्लच है ये मतलब मशीन को चलाने वाली है और ये लो है और ये इस साइड को हाई है और ये टंकी को खोलने वाला ढक्कन, मक्का की भुंटा टपक जाती है यहाँ से और ये लग जाता है। ये एयर क्लीनर है, ये मैं ऐसी ऐसी तकनीक बना दी है कि इसमें किसान को कुछ सुविधाएं हो गई हैं और पहली बात भाई इस मशीन से ऐसी अपन को जानकारी मिली है तो मैंने सोचा भाई अपन इस मशीन को लेकर और उद्घाटन करें वो इसको और मतलब तरीका से किसान लोग ले सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतनी है भाई के चलावे के ऊपर ये हमारे ड्राइवर, छोटे ड्राइवर, ये चैंपियन ड्राइवर, ये मीडियम के ड्राइवर हैं, मक्का लुए खड़े हैं, ये हमारे जापान के मित्र का है जापानी है और ऐसा नहीं ये बहुत देखने में तकनीकी से चला है। हाँ और बाकायदा मशीनें, मगर इतनी बात है कि भाई जिसको ये इसको देख लेगा चलता तो वो ये कहेगा मुझे चाहिए। और इस मशीन की तकनीकी कुछ समय बाद में देंगे हम, भाई चला रहे हैं, कुछ चल चुकी है, ये अभी शुरुआत की है हम लोगों ने तो एक पाटो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ पाटे काटे भाई, वो आठ पाटे काट के इसकी जानकारी कुछ हासिल हुई है हमारे लोगों को और हमारी पार्टी को हुई है, कुछ समझ में आई हो तो भाई आप कुछ बोले। हमारे यहाँ भैया ये मशीन लेकर आए हैं, इससे भुंटा निकलता है वो इसका खाद भी बनता है, ये देखिए इतना इतना छोटा कर करके फेंक देती है, खाद भी बनेगा बहुत और ये मकना अपनी छोटी छोटी कर देती है, देखो ये छोटे छोटे दो ठाड़े और भुंटा भी निकाल के इसमें डाल देती है। चलाने में कैसा लगता है आपके लिए? कुछ आप कह लो, कुछ चलाने में बहुत मस्त आती है, मजा आता है, एक दो पार्टे में हवा नहीं लगेगी, फिर एक दो पार्टे के बाद मेहनत हो जाएगा फिर हवा लगने लगेगी। वैज्ञानिक तरीका से कृषि करो और अपन अपने हिसाब से अगर खेती करेंगे तो अपन को मार्जिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप लोग मतलब इसको काटेंगे और इसी में डालेंगे और इसमें अपन सीख लगा देंगे, सीख लगा देंगे इसका मतलब कचड़ा सब भर जाएगा, बढ़ने के बाद भाई इसमें अपन को नुकसान क्या होता है, जो इसके कीटाणु उपलब्ध मतलब उपजाऊ कीटाणु रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो इसके कीटाणु जो खत्म होते हैं तो भाई उर्वरक, उर्वरक से जो मतलब अपन को लाभ होता है तो बनने से इस साल उपलब्ध नहीं मिलेगा, इसके अगले जो सीजन आएगा मतलब आषाढ़ के जो जब ये में मिल जाएगा मिट्टी में, मिट्टी मिलते हुए जब अपन एक मतलब बोनी करेंगे तो इसका जो फल जब उसमें से निकलेगा तो जब इसकी फसल हरियाई और कारेटपन देगी अधिक, थोड़ी बहुत नहीं बहुत अधिक, और इसके अलावा इसके बहुत से ऐसे कारनामा हैं कि जो किसान समझने वाला है वो ये सारा करेगा और इसको जरूर लेगा। और भाई अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो ज़रूर हम लोगों को कुछ ना कुछ भेजना, भाई कैसी लगी और इसकी जानकारी अंगारे दे रही है, इसको चलाकर और अंगारे दिखा रही है, भाई चालू करो, चालू करके भाई और तरीका से ले जाओ और किसानों को अगर भा जाए तो भाई सागर जाना और हमारे सेठ जी से मिलना, यहाँ पर है
इसको जमीन में मिला देगी, क्योंकि इस बखंडी करने से नहीं मिल पाएगा। इसको रोटावेटर भी चाहिए भैया, और ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर बड़ा चाहिए, हो सकता है 40 हॉर्स पावर भी मतलब रोटावेटर चला देता है। और भाई देखो ये भुंडे डरे हैं, ये पेटी खोलने से भुंटा गिर जाते हैं। ये डले हैं उस साइड से आए तो ये डले हैं और ये भी डले हैं। और जो अगर किसान समझे बात को तो इसको अपन को बहुत आनंद आता है भाई। खेती में आनंद अगर लो तो मिशनरी जरूर होना चाहिए, मिशनरी ना हुई तो अपन खेती नहीं कर सकते। देखो भाई, और इसमें जो छोटे भुंटे रहते हैं तो छोटे भुंटों में नुकसान हो जाता है। और मक्का है जो मक्का ये आड़ी नहीं होना चाहिए, ये मक्का पेड़ है जो ये आड़े रहेंगे तो किसान को इसको हंसिया काट के उसमें से निकाल देंगे अपन तो सही हो जाएगा। और भुंटा बड़ा निकलेगा तो उसमें मतलब पेटी में सही तरीके से जाएगा, और छोटा अगर रहेगा तो छोटा मतलब उसको काट के दो कर देगा, और कुछ कनू के आगे ही फेंक जाएंगे। कुछ किसान मतलब देखते हैं कि नुकसान हो रहा है तो नुकसान के प्रति कुछ इंसान कहते हैं अरे यार वो नहीं है नुकसान कर रहा है। नुकसान कितना हो जाएगा भाई ये बताओ पहले, कि एक एकड़ में कम से कम 25 मंजूरी 20 मंजूरी लगेंगे तो 20-25 मंजूरी का पैसा कितना हुआ, 200-250 रुपया चल रहे हैं। तो ये मान के चलो कि इसकी रेट तो भाई अपने सेठ लोग 1100-1200 रुपया बता रहे हैं, इतने में तो घाटा है भाई किसानों को। तो हिसाब से अब हम लोग चला रहे हैं तो एक एकड़ में कितना समय लग रहा है कि जब हम लोग चला के और पूरा डिटेल कर लेंगे इसको फिर बताएंगे आप लोगों को। भाई सीताराम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।